हेलो फ्रेंड्स, रेसिपीज़ विद मोनी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वैसे तो पकौड़े सभी मौसम में अच्छे ही लगते हैं, लेकिन सर्दियों में अगर गर्मा गर्म चाय के साथ गर्मा गर्म पकौड़े हो जाए तो मज़ा ही आ जाती है। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए पकौड़ों की कॉम्बो रेसिपी। और तो और, इन्हें हम एक ही बैटर से बनाने वाले हैं। एक ही बैटर से कई तरह के पकौड़े तैयार हो जाएंगे हमारे, झटपट बन जाते हैं और बहुत टेस्टी लगते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आज मैं आपके साथ उन पकौड़ों की रेसिपी शेयर करूंगी जिन्हें लोग खाने में कतराते हैं, जैसे कि लौकी हो गया, बैंगन हो गया। लौकी बैंगन के नाम से ही लोग मुँह बनाने लगते हैं, लेकिन जब आप इस तरह से उनके पकौड़े बनाएंगे तो सभी को बहुत पसंद आएंगे। तो आपका टाइम बिना वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले, जो मैंने कहा कि एक बैटर से कई तरह के पकौड़े बनाने वाले ना, तो ये सबसे पहले नंबर पे वही आते हैं कि आलू और बैंगन और लौकी, इन तीनों का जो पकौड़े हम बनाने वाले हैं वो सेम एक ही बैटर से बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर ले लिया है आलू एक मीडियम साइज़ का। आप जितने पकौड़े बनाना चाहें, कम ज़्यादा ले सकते हैं, उस हिसाब से आप अपने आलू ले सकते हैं। इन्हें छील लिया है और ऐसे कट कर लिया है। आप चाहें तो जो चिप्स स्लाइसर होती है उससे भी कट कर सकते हैं। आप थिकनेस इसकी देख सकते हैं। अब आलू हमारे काले पड़ जाते हैं, जब तक हम बाकी चीज़ें कट करेंगे तब तक हमारे आलू काले पड़ जाएंगे। तो इसलिए इन्हें हम जो है एक बार दो बार वॉश करके और इसे हम पानी में डिप कर देंगे ताकि जो है आलू हमारे काले नहीं पड़ेंगे, क्योंकि आलू बहुत जल्दी काले होने लगते हैं। तो अब सेकंड चीज़ हमारी आ गई है लौकी। यहाँ पे आधी लौकी ली हुई है। आप जितना भी आप बनाना चाहें अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, कम ज़्यादा जितना भी हो। लौकी को छील लेंगे और ध्यान हमें ये रखना है कि यहाँ पे जितनी पतली हो सके उतना पतला लौकी हमें लेना है, जिसमें बीज नहीं होते हैं। देख सकते हैं आप, इतनी पतली लौकी लिया हुआ है। इससे भी पतली अगर आपको मिल जाए तो उसे प्रेफर करिए। आप देख सकते हैं इसमें भी बिल्कुल भी बीज नहीं है, इतना पतला पतला सा कट कर लिया है। और अब हमारे आते हैं बैंगन। तो एक हमने ले लिया है बैंगन। सारी चीज़ों को कट करके रखना है क्योंकि एक ही साथ बनानी है। तो बैंगन को हमने धुल लिया है और इसका छिकल नहीं उतार रहे हैं, छिलका नहीं उतार रहे हैं। अगर आप चाहें तो छील दें, यानी कि पील कर दें, वरना आप इसे स्किप करें, ऐसे ही ऐड करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो आप देख सकते हैं इसकी भी थिकनेस देख सकते हैं कैसा है। इसी तरीके से हमें जो है सारी इसकी बैंगन की स्लाइस कर लेनी है। आप बिल्कुल ही भी अपने मन में ये चीज़ ना लाइए कि बैंगन का पकौड़ा है तो कैसा होगा, ये बहुत टेस्टी लगता है। आप एक बार ट्राई ज़रूर करिए, आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो सारे बैंगन को हम ऐसे कट कर लेंगे। आप चाहें तो दो बैंगन ले लें, तीन बैंगन, जितना भी आप खाना चाहते हैं उतना ले सकते हैं। चूँकि हमने एक ही एक चीज़ें सारी ली हुई हैं, एक लौकी मतलब आधी लौकी, एक बैंगन, एक ये, तो इससे ही हमारे बहुत सारे पकौड़े बन जाएंगे। तो अब यहाँ पे हम बनाने वाले हैं इसका बैटर। तो आधा कप बेसन ले लेंगे और उसमें डाल देंगे दो चम्मच चावल का आटा, एक चम्मच है अदरक लहसुन और मिर्ची कुटी हुई, फिर है आधा चम्मच है कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, स्वादानुसार नमक, आप जितना भी चाहें उतना नमक इसमें ऐड कर दें, फिर ऐड किया हुआ थोड़ा सा धनिया पाउडर, फिर ऐड किया हुआ है हमने इसमें थोड़ा सा बिल्कुल ही गरम मसाला, और फिर इसमें हम ऐड करेंगे आमचूर पाउडर थोड़ा सा इसको खट्टा फ्लेवर देने के लिए, फिर बिल्कुल ही थोड़ी सी काली मिर्ची पाउडर ऐड कर देंगे, और इसमें हम अजवाइन डालें। अजवाइन का टेस्ट इसमें काफ़ी अच्छा लगता है। अजवाइन को हमेशा ऐसे हाथों से मसल के ही डालें जिससे उसका फ्लेवर अच्छा आता है। फिर इसमें डालेंगे हींग। हींग का फ्लेवर मुझे पर्सनली सारी चीज़ों में अच्छा लगता है, पराठे हैं, पकौड़े हैं, हींग का फ्लेवर इन सब में बहुत अच्छा लगता है। तो आप हींग को ज़रूर ऐड करिए और हींग हमारे लिए फ़ायदेमंद भी होती है। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। फिर इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे जितना हमें रिक्वायर होगा। पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालें ताकि जो है ये बैटर ज़्यादा हमारा गीला ना हो। बैटर की कंसिस्टेंसी आप देखेंगे अभी, ना ज़्यादा हमें ढीला चाहिए, यानी कि ना ज़्यादा गीला चाहिए बैटर और ना ही ज़्यादा टाइट चाहिए। हमें इतना बैटर चाहिए कि अच्छे से हमारी जो है कोटिंग हो जाए। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें हम डालेंगे जितना हमें रिक्वायर होगा और बस इसे जो है मिला देंगे, और फिर इसे हम 4 से 5 मिनट के लिए फेंट लेंगे जिससे हमारा बेसन जो है अच्छे से फिट जाएगा। तो पकौड़े हमारे काफ़ी सॉफ्ट बनेंगे और अच्छे बनेंगे। तो बैटर को अच्छे से फेंट लेंगे
आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं। अभी मैं इसकी थिकनेस दिखाऊंगी आपको। फेंटने से क्या रहता है कि पकौड़े हमारे काफ़ी अच्छे बनते हैं। तो आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं। देखिए ऐसी थिकनेस हमें चाहिए इसकी, मतलब ऐसा पोरिंग बैटर चाहिए हमें। तो बस हमारा बैटर तैयार है। अब हम जो है सबसे पहले आलू के पकौड़े बना रहे हैं। हाँ, यहाँ पे मैं ये दिखाना भूल गई कि जो है जब पानी से आलू को निकाला है तो किसी किचन टॉवल या फिर किसी सूती कपड़े पे डाल देंगे ताकि उसका जो मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा, तभी हम उसको पकौड़े बनाएंगे। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि जब हम आलू या फिर बैगन, जिसको भी हमने पानी में डाला हुआ था, उन सारी चीज़ों को पकौड़े बनाने से पहले 5 से 6 मिनट पहले इसे हम किसी कॉटन कपड़े पे डाल देंगे जिससे इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। तो देख सकते हैं हमारे पकौड़े बिल्कुल क्रिस्पी हो गए हैं, गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। तो बस इंजॉय करिए, चाहे अपने सॉस के साथ या चाय के साथ। अब सर्दियाँ हैं तो चाय के साथ ज़्यादा टेस्टी लगेगा। गर्मा गर्म से पकौड़े हों और गर्मा गर्म से चाय हो, फिर तो मज़ा ही आ जाता है। तो देख सकते हैं आलू भी हमारी अच्छे से पक चुकी है। तो बस इंजॉय करिए, देख सकते हैं आप कितना यम लग रहा है पकौड़ा। तो बस अब आ जाता है हमारा सेकंड, लौकी का पकौड़ा। तो सेम जैसे हमने आलू के पकौड़े किए हैं, मतलब बनाए हैं, उसी तरीके से हम लौकी का पकौड़ा बना लेंगे। सेम, बस फ्लेम का ध्यान रखना है। फ्लेम हमें ज़्यादा मतलब हाई टू मीड, मतलब लो टू मीडियम ही रखनी है, हाई नहीं करनी है स्टार्टिंग में, क्योंकि स्टार्टिंग में हाई कर देंगे तो पकौड़े हमारे बाहर से जलने लगेंगे, मतलब जल्दी रेड हो जाएंगे, अंदर से पकौड़े हमारे कच्चे रह जाएंगे। क्योंकि आलू, बैगन, लौकी, इन सारी चीज़ों को हम कच्चा ही यूज़ कर रहे हैं, तो इन्हें पकाने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। एक बैच को फ्राई होने में 5 से 6 मिनट आराम से लग जाता है। तो स्टार्टिंग में इसे हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर पकानी है, फिर लास्ट में इसे 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर कर देनी है, जिससे ये बाहर से भी अच्छे से रेड हो जाएगी और अंदर से भी अच्छे से पक जाएगी। तो बस इसे भी हमें गोल्डन ब्राउन कर लेना। आप देख सकते हैं ये हमारे ऐसे ही रेड रेड से हो गए हैं। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाते हैं तो क्रिस्पी हो जाएंगे और खाने में तभी उसका दोगुना स्वाद आता है। तो बस इसे भी निकाल लीजिए और वही इंजॉय करिए गर्मा गर्म अपनी चाय के साथ। और देख सकते हैं आप कितना क्रिस्प लग रहा है। तो बस इंजॉय करिए, और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो हमारा पकौड़ी, लौकी का पकौड़ी जो है वो बिल्कुल ही तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं, जिसके साथ इच्छा करे उसके साथ आप इसे इंजॉय करिए, बहुत ही यम लगता है, चाय के साथ या फिर सॉस के साथ। तो अब थर्ड नंबर पे आ जाता है हमारा बैगन का पकौड़ा। तो सेम जैसे हमने बाकी चीज़ों को फ्राई किया है, आप देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ आधा कप बेसन था मेरे पास, मतलब हमने सिर्फ आधा कप बेसन लिया हुआ था और आधे कप बेसन से ही कितने सारे पकौड़े बन चुके हैं। तो बस बैगन के पकौड़े भी सेम वे में हमें फ्राई कर लेने हैं जैसे हमारे हमने बाकी आलू के और लौकी के पकौड़े फ्राई किए हैं, उसी तरीके से हमें बैगन के पकौड़े भी फ्राई कर लेने हैं। सेम प्रोसेस में, पहले लो टू मीडियम फ्लेम पर, फिर लास्ट में 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर कर देना है ताकि जो है बाहर से भी ये क्रिस्पी हो जाए। तो बस इन्हें भी आप सर्व करिए और चाय करिए गर्मा गर्म, सबको पसंद आएंगी। ये बैगन के पकौड़े ज़रूर हैं, लोग बैगन के नाम से ही मुंह बनाने लगते हैं, लेकिन आप इस तरह से बैगन के पकौड़े ट्राई करिए, आपको ज़रूर पसंद आएंगे, सब लोग आपकी तारीफ ही करेंगे। तो बस इंजॉय करिए। तो अब फोर्थ नंबर पे आ जाते हैं हमारे प्याज के पकौड़े। ये नॉर्मल प्याज के पकौड़े हैं, प्याज के लक्षे पकौड़े जिन्हें बोलते हैं हम। तो लक्षे पकौड़े बनाने के लिए क्या करेंगे, हम प्याज को बारीक सा काट लेंगे, जैसे पतला पतला सा स्लाइस कर लेंगे। आप देख सकते हैं इस तरीके से हम सारे प्याज को स्लाइस कर लेंगे, देख सकते हैं आप इसी तरीके से स्लाइस कर लेंगे पतला पतला, जितना पतला हो सके, जिससे इसके लक्षे जो है खोल के आएंगे। तो यहाँ पे हमने 2 प्याज लिए हुए थे मीडियम साइज़ का, चूँकि वो आधा प्याज ही था, तो इन सारी चीज़ों को कट कर लेंगे। इन सारे प्याज को आप जितना ऐड करना चाहें उतना प्याज आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कंसिस्टेंसी में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि हम बेसन तो वैसे ही आगे मिलाएंगे ऐसे कि जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें सबसे पहले हम थोड़ा सा नमक मिला के रख देंगे स्वादानुसार इसे लगभग ही 10 मिनट के लिए, जिससे क्या रहेगा प्याज हमारा पानी छोड़ देगा, तो इससे हमें आगे बैटर में कितना पानी ऐड करना है ये पता चल जाएगा। तो अभी इसमें हम ऐड कर देंगे कटा हुआ हरी मिर्ची, आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा ऐड करेंगे घिसा हुआ अदरक लहसुन और थोड़ा सा ऐड कर देंगे हरा धनिया, फिर इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा आमचूर पाउडर टेस्ट के लिए, थोड़ा सा जीरा ऐड कर देंगे, खड़ा धनिया ऐड कर रहे हैं, इसे हल्का सा रोस्ट कर लिया है,
एक चम्मच है, इसे हाथ से ऐसे क्रश करके डाल देंगे। फिर इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा ऐड किया हुआ, और एक चम्मच इसमें क्रिस्पी इसे बनाने के लिए चावल का आटा और थोड़ा सा काली मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। बाकी अगर आप और भी कोई मसाले ऐड करना चाहते हैं पकौड़े में तो उन्हें ऐड कर सकते हैं। तो अभी इसमें हम 4 बड़े चम्मच ऐड करेंगे बेसन, फिर इन्हें हम मिक्स करेंगे, फिर देखेंगे जितना हमें रिक्वायर होगा उस अकॉर्डिंग हम और आगे ऐड कर देंगे बेसन। तो अभी हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो अभी देख सकते हैं अच्छे से मिक्स कर दिया, तो अभी बेसन कुछ कम लग रहा था, 2 बड़े चम्मच और बेसन मिक्स कर दिया है और इसे अच्छे से मिला देंगे। तो ये लगभग ये हमारा 1/4 कप होगा बेसन, 1/4 कप से थोड़ा सा ऊपर हो सकता है बस हमारे। और अब इन्हें हम फ्राई कर लेंगे। तो हमें इन्हें कोई भी शेप देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम प्याज के लक्षे पकौड़े बना रहे हैं, तो इनमें जब ये लक्षे खुल के आएंगे तभी अच्छा लगेगा देखने में। तो इसे हमें किसी भी शेप, मतलब ऐसे राउंड शेप करने की या शेप के चक्कर में ज़्यादा पड़ने की ज़रूरत नहीं है, इसे बस ऐसे उठाना है और डाल देना है बस। इसी तरीके से इसे जो प्याज की भजिया भी बोलते हैं लोग इसे, तो ऐसे ही बनता है। बस इसे फ्राई कर लीजिए गोल्डन ब्राउन होने तक, जितना भी आप चाहें वैसे, जितना ज़्यादा रेड हो सके, मतलब गोल्डन ब्राउन हो सके उतना बेहतर रहता है, क्रिस्प ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस देख सकते हैं आप इसी तरीके से सर्व कर लिए, निकाल लीजिए और वही सॉस के साथ या फिर अपनी चाय के साथ, जिसके भी साथ आपका मन करे उसके साथ इसे इंजॉय करिए। ये बहुत टेस्टी लगते हैं, इसे आप एक बार ट्राई ज़रूर करें। तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा लग रहा है देखने में ये पकौड़े की जो जो प्याज की जो भजिया होती है, ये जब किसी शेप की नहीं होती है तो ये अच्छा लगता है। कहीं इधर से प्याज निकला है, कहीं उधर से प्याज निकला है, तो पकौड़े की जो जो प्याज की जो भजिया होती है इसी तरीके से होती है। तो बस इंजॉय करिए। तो अब हमारा जो 5th नंबर पे आता है वो है, ये तो हमारा मिक्स पकौड़े हैं, मतलब इसमें हम पालक को भी मिक्स करेंगे, प्याज को भी मिक्स करेंगे और हमारी आलू को भी मिक्स करेंगे। आप इस तरह से पकौड़े को ट्राई करिए, बहुत टेस्टी लगने वाला है। तो यहाँ पर लिया हुआ है लगभग 100 ग्राम पालक, उसे हम कट कर लेंगे। फिर यहाँ पे एक लिया हुआ प्याज मीडियम साइज़ का, आप देख सकते हैं, इसे हम स्लाइस कर लेंगे। जैसे अभी आगे प्याज के पकौड़े बना चुकी हूँ तो उसमें आपने देखा उसी तरीके से इस प्याज को भी स्लाइस कर लेंगे बिल्कुल ही अच्छे तरीके से, पतला पतला। और फिर यहाँ पे ले लेंगे हम एक आलू, आलू को भी हम जितना बारीक हो सके उतना बारीक कट करेंगे। अगर आपको ऐसे कट करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसे जो हमारा कद्दूकस होता है, कद्दूकस भी कर सकते हैं, इसे बिल्कुल ही पतला पतला सा चॉप कर लेना है। आप देख सकते हैं इसी तरीके से इसे कट कर लेना है, जिससे हमारी सारी चीज़ें एक शेप में ही रहेंगी तो हमारे पकौड़े काफ़ी अच्छे बनेंगे। तो बस अब यहाँ पे 4 से 5 कलियाँ ली हुई हैं लहसुन की, इसे भी बिल्कुल ही छोटा छोटा कट कर लेंगे। आप चाहें तो फिर वही ग्रेट कर सकते हैं इसे। और फिर यहाँ पे लिया हुआ है 3 हरी मिर्ची, हरी मिर्ची आप अपने जितना आप कड़वा खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से ऐड कर लीजिए, जितना भी आप चाहें। थोड़ा सा ऐड किया हुआ है 1 इंच अदरक का टुकड़ा, इसे भी बिल्कुल ही बारीक बारीक कट कर लेंगे। आप फिर वही इसे ग्रेट कर सकते हैं। और फिर हम ऐड कर देंगे वही थोड़ी सी धनिया पत्ती, धनिया पत्ती अच्छी लगती है, सर्दियों में आती भी अच्छे से है, तो आप इन सारी चीज़ों को ऐड कट कर लीजिए अच्छे से। और फिर एक बाउल लेंगे, इसमें सारी चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे, सारी चीज़ों को ऐड कर देंगे जितनी भी चीज़ें हमने कट करके रखी हुई हैं। आप इसमें अपने अकॉर्डिंग और भी सब्जियाँ ऐड कर सकते हैं, सर्दियाँ हैं सब्जियाँ खूब आती हैं, जो भी मन चाहे वो ऐड कर लें। फिर इसमें हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा जीरा पाउडर, बिल्कुल ही थोड़ा सा, और थोड़ा सा बिल्कुल ही काली मिर्ची पाउडर। फिर इसमें हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा ये आमचूर पाउडर लिया हुआ है, क्योंकि इसको थोड़ा सा खट्टा टेस्ट देने के लिए। थोड़ा सा इसमें ऐड कर देंगे नमक, थोड़ा सा आप जितना भी चाहें स्वाद अनुसार अपना नमक ऐड कर दें। थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर, ये कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर है। थोड़ा सा ऐड कर देंगे हम धनिया पाउडर, क्योंकि मसाले भी आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। बिल्कुल ही थोड़ा सा ऐड कर देंगे गर्म मसाला, स्वाद के अनुसार जितना भी आप चाहें। और हींग जरूर डालें, हींग का फ्लेवर पकौड़े पराठे वगैरह में बहुत अच्छा लगता है। तो इन सारे मसालों को अच्छे से हम मिक्स कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करें ताकि हमारी सारी सब्जियों पे मसालों की नमक की कोटिंग अच्छे से हो जाए, जिससे हमारे मसाले जो हैं पानी जो है रिलीज़ कर दें, चूँकि इन्हें हमें रेस्ट करने देना है। तो लगभग ही 10 मिनट के लिए इसे हम ढक देंगे और रेस्ट करने देंगे, जिससे क्या होगा हमारी सब्जियाँ पानी रिलीज़ कर देंगी। तो आगे चल के हमें कितना इसमें बेसन ऐड करना है, कितना पानी ऐड करना है,
ये पता चल जाएगा, क्योंकि अगर हम नमक नहीं पहले से ऐड करेंगे तो हमारी जो भजिया है, मतलब जो हम जब इसको पकौड़े बनाएंगे तो ये गीला हो जाएगा, क्योंकि हमें पता नहीं चलेगा ना कि पानी कितना चाहिए कितना नहीं चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो भजिया है, मतलब जो सब्ज़ियाँ हैं, उन्होंने अच्छे से पानी रिलीज़ कर दिया है। तो बस अब इसमें हम ऐड कर देंगे बेसन। तो यहाँ पर लगभग ही हमने आधा कप बेसन लिया हुआ है, लेकिन आधे कप बेसन को हम दो बार में डालेंगे, मतलब जितना जितना हमें रिक्वायर होगा। तो पहले हमने 1/4 कप बेसन लिया हुआ है, इसे ऐड कर देंगे, और फिर हमें 1/4 कप फिर से बेसन लिया हुआ है तो इसका हम आधा डालेंगे और आधा भी रख देंगे। अगर हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसे ऐड कर देंगे, वरना हम स्किप कर देंगे। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमें बेसन सिर्फ इतना चाहिए कि हमारी जो हमने सब्ज़ियाँ डाल रखी हैं उनकी जो है बॉन्डिंग अच्छे से हो जाए। तो अभी हमें बेसन थोड़ा सा कम लग रहा था तो फिर से बेसन ऐड कर दिया है। बेसन वही है बेसन, आप इसमें तो आप बिल्कुल ही अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, क्योंकि हमें बेसन उतना ही चाहिए जितना हमारी जो सब्ज़ियाँ हैं उनमें बॉन्डिंग अच्छे से हो जाए। तो अभी ये बैटर थोड़ा सा ड्राई लग रहा था तो थोड़ा सा बिल्कुल ही पानी ऐड किया हुआ है। आप अपने अकॉर्डिंग, जैसे अगर आपको लग रहा है कि पानी ऐड करना है तो ऐड करें, वरना आप स्किप करें, क्योंकि ये जब हमारा बैटर गीला हो जाएगा तो हमें इसका पकौड़ा बनाने में प्रॉब्लम होगी। तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ही अच्छे से बॉन्डिंग बन रही है इसकी, बस हमें ऐसा ही चाहिए, क्योंकि यही पकौड़े बिल्कुल ही जैसे लक्षे वाले जो प्याज के पकौड़े थे बिल्कुल ही उसी तरीके से बनाने हैं, ना ही हमें इसे कोई सेप करना है, बिल्कुल ही अच्छे से बस ऐसे बना लेना है, फ्राई कर लेना है हमें गोल्डन ब्राउन होने तक। फ्लेम का ध्यान रखना है, फ्लेम हमें वही रखनी है, स्टार्टिंग में लो टू मीडियम रखनी है। जब हमारे पकौड़े अंदर से पक जाएंगे लगभग ही 2 से 3 मिनट के बाद, तब इसे हम लास्ट में 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर कर देंगे, जिससे हमारे पकौड़े बाहर से भी बहुत ही क्रिस्पी हो जाएंगे, गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, मतलब बिल्कुल ही रेड रेड से दिखने लगेंगे। पकौड़े जितने अच्छे हो, जो कुरकुरे होते हैं, जो रेड होते हैं, वही वाले पकौड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो बिल्कुल ही गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे इसे हम। आप देख सकते हैं, आप इनका कलर देख सकते हैं, और चूँकि इन्हें हमने पहले धीमी आँच पर पकाया है फिर हाई फ्लेम पर किया है, तो ये अंदर से भी अच्छे से पक चुके हैं और बाहर से भी अच्छे से पक चुके हैं। तो बस आप देख सकते हैं इसी तरीके से फ्राई कर लेने हैं हमें। अब इन्हें हम अलग कर लेंगे। हमारे पकौड़े, ये पहला बैच हमारे फ्राई हो चुका है, आप देख सकते हैं इसी तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं इनका कलर देख सकते हैं आप कितना अच्छे लग रहे हैं। इसी तरीके से हम जो हमारे बचे हुए पकौड़े हैं उन्हें भी हम फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं एक प्याज, एक आलू और थोड़ी सी बिल्कुल ही पालक से हमारे कितने सारे पकौड़े तैयार हो चुके हैं। आप इन्हें एक बार ट्राई ज़रूर करें, ये आप ट्राई ज़रूर करें, आपको ज़रूर पसंद आएंगे पकौड़े। आप देख सकते हैं कितना टेस्टी लग रहे हैं ये, जितना अच्छा ये टेस्टी मतलब देखने में लग रहा है, इससे ज़्यादा टेस्टी ये खाने में लगता है। तो आप इसे ट्राई ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक दे दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी नहीं लगी वो भी आप कमेंट्स में बता सकते हैं, ताकि मैं उसे सुधार सकूँ। लेकिन अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक दे दें। अभी मैं पकौड़े को तोड़ के दिखाऊंगी, आप देख सकते हैं कितना ही क्रिस्प लग रहा है देखने में। तोड़ के दिखा रही हूँ तो देख सकते हैं आप, अंदर से भी हमारे पकौड़े पूरी तरीके से पक चुके हैं और बाहर से भी अच्छे से पक रहे हैं। तो इंजॉय करिए अपना गर्मा गर्म चाय के साथ या फिर सॉस के साथ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो तब तक के लिए खाइए पिए।